और इस हफ्ते के फिक्स में आपका स्वागत है। चलो देखें इस हफ्ते की खबर। शुरू करते हैं हम डिवीजन 2 से। डिवीजन 2 के ओपन बीटा डेट्स अनाउंस्ड। डिवीजन 2 के प्राइवेट बीटा के बाद 1 मार्च से 4 मार्च तक शुरू होगा ओपन बीटा, बताते हैं यूबीसॉफ्ट। डिवीजन 2 का प्राइवेट बीटा अवेलेबल था प्लेयर्स के लिए जिन्होंने गेम प्री ऑर्डर किया था या रजिस्टर किया था। गेम के प्राइवेट बीटा में इश्यूज निकले थे 3+ आवर्स ऑफ गेम प्ले के बाद PS4, PC और Xbox One पे। यूबीसॉफ्ट ने इन इश्यूज को रिजॉल्व कर दिया है और ओपन बीटा पर अधिक जानकारी के लिए चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सैड न्यूज ब्लिजर्ड से, नो न्यू फ्रंटलाइन रिलीजेस और एक्टिविजन ब्लिजर्ड एम्प्लॉयज की नौकरी गई। एक्टिविजन ने अपने क्वार्टरली अर्निंग्स अनाउंस किए लास्ट ट्यूजडे। एक्टिविजन ने बताया कि ब्लिजर्ड 2018 के वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट बैटल ऑफ एजरोथ की वजह से बेनिफिट हुए, मगर 2019 में कोई नई टाइटल नहीं आने वाली। एक्टिविजन ब्लिजर्ड ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि मेजर फ्रेंचाइज गेम्स के डेवलपमेंट टीम्स का साइज बढ़ाया जाएगा, मगर नॉन परफॉर्मिंग गेम्स के एम्प्लॉयज को कई और काम ढूंढना पड़ेगा। इसकी वजह से ब्लिजर्ड ने अप्रोक्सीमेटली 8% यानी 800 एम्प्लॉयज को काम से निकाल दिया। एक्टिविजन ने बताया कि कॉल ऑफ ड्यूटी, कैंडी क्रश, ओवरवॉच, वॉरक्राफ्ट, हर्थस्टोन और डियाब्लो के डेवलपमेंट टीम्स को बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ अनाउंस करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी 2019 विद कैंपेन मोड। एक्टिविजन के नए प्रेसिडेंट रॉब कोसिच ने बताया कि इस साल के कॉल ऑफ ड्यूटी में एक फुल कैंपेन मोड और एक्सपांसिव मल्टीप्लेयर विद फन कोऑप होने वाला है। रिटर्निंग CFO डेनिस डर्किन ने कहा कि सीरीज का ये अगला कदम है। 2019 कॉल ऑफ ड्यूटी इस बार ट्रियाच नहीं मगर इन्फिनिटी वॉर्ड बनाएगा, जिन्होंने हमें कॉल ऑफ ड्यूटी 2, इन्फिनिट वॉरफेयर गोस्ट्स और मॉडर्न वॉरफेयर ट्रिलॉजी दी। Who's excited for Call of Duty this year? Breaking Bad the movie premiere होगी Netflix पर और Transformers the animated prequel series 2020 में। Aaron Paul फिर बने Jesse Pinkman Breaking Bad the movie में। Hollywood Reporter के मुताबिक मूवी को दिया है कोड नेम Greenberg और शुरू होगी ठीक Breaking Bad सीरीज के एंडिंग से। फिल्म को राइट और डायरेक्ट कर रहे हैं शो के क्रिएटर विंस गिलिगन और को प्रोड्यूस भी करेंगे मार्क जॉनसन और मेलिसा बर्नस्टीन के साथ। फिल्म रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स पर, जिसके प्रोडक्शन शुरू हुआ था नवंबर 2018 में। रिलीज डेट अब तक अनाउंस होनी बाकी है, मगर 2020 में नेटफ्लिक्स पर आने वाली है एनिमेटेड प्रीक्वल ट्रांसफॉर्मर्स वॉर फॉर साइबरट्रॉन ट्रिलॉजी। नेटफ्लिक्स और हैसब्रो ने ये पार्टनरशिप बनाई रूस्टर टीथ के साथ और पॉलीगॉन पिक्चर्स है इस ट्रिलॉजी के एनिमेशन स्टूडियो। ट्रांसफॉर्मर्स वॉर फॉर साइबरट्रॉन को डायरेक्ट कर रहे हैं FJ डेसांटो, जो कहते हैं कि शो का नया एनिमेशन लुक और स्टाइल अब तक किसी ने नहीं देखा। मॉर्टल कॉम्बैट 11 के रोस्टर में अब आई जेड, अल्टीमेट स्टेल्थ असैसिन जेड आ रही है MK11 में। कॉम्बैट कास्ट पे अनाउंस्ड, जेड इस बार डार्कर लुक के साथ आई है। जेड मॉडल कॉम्बैट 10 के रोस्टर में नहीं थे, मगर इस बार ट्रेलर में दिखाई दिए बराका और सोनिया ब्लेड के अगेंस्ट। मॉडल कॉम्बैट 11 के रोस्टर में रिसेंटली अनाउंस्ड हुए हैं कबाल, डिवोरा, केनो एंड मोर। MK11 रिलीजेस ऑन PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch ऑन द 23rd of April 2019। Devilman Crybaby जीता क्रंची रोल अवार्ड, बेस्ट एनिमे ऑफ द ईयर। Devilman Crybaby और My Hero Academia ने इस साल के एनिमे अवार्ड्स को डोमिनेट कर दिया। Devilman Crybaby जीता एनिमे ऑफ द ईयर अवार्ड और इसके डायरेक्टर मसाकी योसा को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। My Hero Academia सीजन 3 जीता बेस्ट एंटागोनिस्ट, बेस्ट बॉय और बेस्ट फाइट सीन कैटेगरी। क्रिस्टोफर साबित ने जीता बेस्ट इंग्लिश वॉइस एक्टर एज ऑल माइट इन My Hero Academia। और My Hero Academia 2 Heroes ने जीता बेस्ट फिल्म। Congratulations to both Devilman Crybaby and My Hero Academia. Well deserved and thank you for such amazing animes. ये थे इस हफ्ते के खबर और इस हफ्ते IGN India Facebook या YouTube जरूर देखना, जहां IGN India plays latest games of this month. और न्यूज जानने के लिए लॉग ऑन टू IGN India. Bye bye.